यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शुभ दिन की आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन। आज एक तो भगवान परशुराम का जन्मदिन है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ आज एक ऐसा त्यौहार भी है। अब ये तो ब्राह्मणों वाली भाषा में बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ था तीज बोलते हैं उसको। और इस दिन ऐसे ऐसे लोग तर जाते हैं जिनको कुछ पूछने वाला नहीं होता, ये बेपूत सब है। इस दिन सारी शादियाँ बिना किसी ब्राह्मण से पूछे मना जाती है, शुभ दिन माना जाता है। इसलिए इस शुभ दिन की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ पिछले काफ़ी लंबे समय से एक बात को लेकर के रोजाना जब कभी भी आपसे मिलते थे, आपसे बातचीत करते थे, तो बातचीत से किसी भी इशू पे हो रही होती थी, लेकिन आखिर में इस बात पे प्रेस के साथी जरूर पूछते थे कि आपका और बहुजन समाज पार्टी का आपस में जो चर्चा चल रही है, वो जो बातचीत चल रही है, समझौता कब तक, तालमेल कब तक आपका आपस में पूर्ण हो जाएगा। तो आज जिस इशू के लेकर के आप रोजाना सस्पेंस में थे, आज उस सस्पेंस को आपके बीच में ख़त्म करें। डॉक्टर मेघराज जी जो हैं ये हरियाणा के प्रभारी हैं, पंजाब के भी प्रभारी हैं, ये हिमाचल के भी प्रभारी हैं, और उसके साथ जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के भी प्रभारी हैं। इनको 5 स्टेट्स की एक बड़ी जिम्मेवारी बहन मायावती जी की तरफ से दी हुई है, और आप इनके पार्टी के प्रधान हैं भारती जी। हमने आपस में बैठ करके हरियाणा से कैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों से इस प्रदेश को मुक्त कराया जाए। कांग्रेस से तो लोगों ने मुक्ति दिला दी थी पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में, अब भाजपा मुक्त प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोगों ने बैठ करके आपस में फैसला किया कि हम आपस में लोकसभा का भी और विधानसभा का दोनों चुनाव आपस में मिलकर के गठबंधन के तौर पे लड़कर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर इस प्रदेश से करने का काम करेंगे। मैं उसके लिए आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अब समय है बदलाव का, दलित पिछड़े और किसान का, मिलकर के बनाएंगे नई पहचान, अब समय है बदलाव का। हम इस प्रदेश में दलित पिछड़ा और किसान मिलकर के और पूरा कमेरा वर्ग, जैसे चौधरी देवीलाल कहते थे कि इस देश में दो ही वर्ग हैं, एक वर्ग कमेरे का है, एक लुटेरे का है। भाजपा लुटेरे की पार्टी है, भाजपा लगातार इस देश और प्रदेश को लगातार 3.5 वर्ष से लूटने का काम कर रही है, आपस में नए नए विवाद खड़े करवा करके लोगों को लड़ाने के प्रयास कर रही है। इनसे छुटकारा मिले इसके लिए हमने आपस में बैठ करके फैसला किया है कि किसी की इस बात को लेकर के कि मेरी सीट ज़्यादा हो, मेरी कम हो, मेरा ये हो, मुझे ये मिले, हमने उन सब बातों से ऊपर उठ करके फैसला लिया है कि केवल इस प्रदेश को भाजपा और कांग्रेस मुक्त करके इस देश को एक नया मैसेज देना है। और जो लगातार एक चर्चा होती है, लगातार प्रेस के साथी जैसे पूछते हैं कि थर्ड फ्रंट किस रूप का होना चाहिए, थर्ड फ्रंट में कौन लोग होने चाहिए, आज ये थर्ड फ्रंट की एक नई शुरुआत है। अब आज इसकी एक नींव रखी गई है और ये जो थर्ड फ्रंट बनेगा ये बहन मायावती जी की अगुवाई में बनेगा, जो कांग्रेस और भाजपा मुक्त होगा, जिसमें ना भाजपा शामिल होगी और ना कांग्रेस होगी। अब ये इस फ्रंट को आगे जो बढ़ाने का काम करेगी, हम भी अपने जो दोस्त मित्र राजनीतिक दल हमारे रहे, हम उनसे बातचीत करेंगे और हमारा भी ये प्रयास होगा कि एक ऐसा थर्ड फ्रंट इस देश में बने
कि देश के हर मतदाता का इस बात को लेकर के एक विश्वास पैदा हो कि अब लुटेरे जाएंगे और कमेरे आएंगे और कमेरों का राज बढ़ेगा। इसके लिए कमेरे का राज बने, इसके लिए हमने ये नारा दिया है आज कि अब दलित, पिछड़ा और किसान मिलकर के तीनों जो हैं अब हरियाणा की बनाएंगे एक नई पहचान और हम लाएंगे अब एक नया बदलाव। आज जिस ढंग से लगातार इस देश के अंदर पिछले 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसान को, गरीब को, कमेरे को, मजदूर को कमजोर करने का जो काम किया, जहां उसकी अनदेखी करी, उसका खामियाजा कांग्रेस को पिछले लोकसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। और आज देश में जिस किस्म के हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार बनने के बाद पैदा हुए, की बाढ़ सी आ गई है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, यहां पर नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था लेकिन बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला, तब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सम्मानित श्री अभय चौटाला जी से आपस में बैठकर के चर्चा हुई और हम दोनों पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अरोड़ा जी और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, हम सब लोगों ने बैठकर के ये महसूस किया कि अब हमें हरियाणा प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी से भी मुक्ति दिलानी चाहिए। निश्चित तौर से इन विचारों से आपस में सहमत और समझौता बना करके हम लोगों ने जब मान्य बहन जी के सामने इस प्रस्ताव को रखा तो मान्य बहन जी ने हरियाणा की जनता के हित में ये फैसला लिया कि आने वाले समय में लोकदल, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेगी। ये बहुत बड़ा फैसला माननीय बहन जी ने लिया और निश्चित तौर से हमें यह भी निर्देश हुआ कि आज आप जाएं हरियाणा में और इस गठबंधन की घोषणा कर दें। आज हरियाणा की जनता के हित में यहाँ के युवा वर्ग, कमेरा वर्ग, व्यापारी, किसान, सभी के हित में, हक में, सब समाज के लोगों के हक में और भाईचारा को और मजबूत बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी खुले मन से, सच्ची विचारधारा से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब श्री काशीराम जी के विचारों से ये गठबंधन हरियाणा में पहले भी इसी पार्टी के साथ में हो चुका है और उस पार्टी के साथ लोकसभा के चुनाव में जो गठबंधन हुआ था निश्चित तौर से इतिहास गवाह है कि दोनों पार्टियों का उसको पॉजिटिव लाभ मिला था और मुझे विश्वास है आज दोनों पार्टी के जिम्मेदार नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब लोग मिलकर के ऐसे भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के अलावा दूसरी सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ होने का काम करेगा और हरियाणा में एक नया युग का एक क्रांति आएगी जो निश्चित तौर से यहाँ पर किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, उनके विचारों का, उनके सपनों का एक हरियाणा प्रदेश होगा और यहीं से पूरे भारत में भी बीजेपी को भारत मुक्त बनाने का अभियान भी, जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने कहा है कि मान्य बहन जी को हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसकी शुरुआत आज हम हरियाणा प्रदेश से कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये आने वाले भविष्य के लिए, हमारी दोनों पार्टियों के लिए और सब प्रदेश की जनता के लिए बहुत मजबूत फैसला है और इस फैसले को बहुजन समाज पार्टी और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ईमानदारी के साथ और मजबूती से झंडा पकड़ करके एक दूसरे का सहयोग करके प्रदेश की जनता को इंसाफ और न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सीटों के ऊपर कोई चर्चा हुई है, कोई कितनी और बीजेपी मुक्त एक पहला टारगेट है लेकिन सीटें कौन सी कितनी? मैंने
आपने जो ये सवाल किया, जब मैं आपके सामने गठबंधन को लेकर के चर्चा कर रहा था, सबसे पहले आपके सामने ये बात क्लियर करी कि हमारा गठबंधन जो है एक भाई और बहन का रक्षाबंधन जैसा गठबंधन है। हमने कौन सी सीट कौन जीते ये फैसला हम आपस में बैठ करके जब चुनाव नजदीक होगा तब करेंगे। आज तो पूरे प्रदेश के लोगों में एक विश्वास बड़ा पैदा हो, देश में एक बड़ा मैसेज आए, इसके लिए हम संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे चलाएंगे। 1 मई को जो हमारा जेल भरो आंदोलन है, उस आंदोलन में हम इसकी शुरुआत कर देंगे। हम उस दिन एक मंच में इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। भारती जी, सवाल ये है कि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस और भाजपा की जो बात अभय जी कह रहे हैं वो किस तरीके से आप सिर ले जाएगी? ये मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मेघराज सिंह है और निश्चित रूप से आपने जो ये बात कही है और अभी हमारे चौधरी साहब ने जो बात कही है कि और उसकी बात उस बात की तरफ आपने कांग्रेस का इशारा किया है। चौधरी साहब ने जो कांग्रेस की तरफ इशारा किया है, पिछला इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में इसलिए हटाई गई थी, उसने महाघोटाले महाभ्रष्टाचारी पार्टी हो गई थी। और ये अभी केवल उत्तर प्रदेश में चर्चा है लेकिन हरियाणा में ये चर्चा नहीं, ये चर्चा समाप्त हो गई है। हम चर्चा से आगे बढ़े हैं, चर्चा से आगे बढ़कर गठबंधन हमारा तय हो चुका है। यूपी का फैसला माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। जी हाँ जी, आपके पीएसपी के इकलौते विधायक हैं यहाँ टेकचंद जी, वो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या वो पार्टी छोड़ चुके हैं या यहाँ आए हैं? हमारे ये इकलौता सपना आपकी बात खत्म हो जाएगा। अनेक विधायक होंगे और मुझे विश्वास है ये गठबंधन हमारी जब प्रेस वार्ता होगी हम जगह का विषय मजबूत आपकी प्रशंसा करेंगे और एक हरियाणा सरकार का की प्रेस वार्ता होगी जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन की सरकार होगी। और जो हमारे टेकचंद शर्मा जी हैं चूंकि वो हमारे इकलौते विधायक जीते थे लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के रूप कार्य नहीं किया, वहाँ की कार्य बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं बुलाया। भविष्य में क्या कोई इस तरह की संभावना है कि किस पार्टी का सीएम होगा और क्या कोई डिप्टी सीएम बनाने की भी कोई संभावना है? निश्चित तौर से समझौते में आपस में जब एक परिवार की बात हो गई है, जब हम सीटों का बंटवारा कर रहे हैं तो ये सब बंटवारे साफ साफ हो जाएंगे, समझाने दीजिएगा, सब सही होगा और सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। मैं एक बात और इनको क्लियर कर दूं, आपने मान लिया ना भी हमारी सरकार बनेगी। सरकार हमारी बनेगी तो फैसला हम कर लेंगे, हमें कोई बिचौले थोड़े चाहिए। अरविंद शर्मा थे जिनको आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार में जातिगत समीकरण दिखाया, उन्होंने बोले हम ब्राह्मण हैं और यमुनानगर का जो बैंड है वो दलित समुदाय से जुड़ा, ब्राह्मण और दलित बैंड को जोड़ करके वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्शन होने आए थे, अभी आपके साथ हैं या नहीं है, उनकी क्या स्थिति है और क्या वाकई जातिगत आंकड़ों को मिलाकर के आप चुनाव नहीं नहीं शुरुआत करो अब तो चलिए छोड़ दो पिछली जिस इशू को लेकर के आप चर्चा कर रहे हो वो वक्त जारी है। अब तो कमेरे की अब तो हमने आपको बताया ना कि अब दलित पिछड़ा और किसान मिलकर के एक बनाएगा नई पहल, तो कमेरे की सरकार बनेगी। और बसपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, ऐसे में अब जो आपका गठबंधन हुआ है आप क्या कहना चाहेंगे? आज रात की तो नहीं कह सकता मैं, कल सुबह आप जाना किसी कांग्रेस और भाजपा के नेता से बात करना और पूछना कि रात को नींद ठीक आई थी। बहुत मरोड़े उठेंगे उनके होठों में पापड़ी होगी।
नई शुरुआत, बहुत पुरानी बात हो गई आज पूछने का। हमारा जो गठबंधन उस वक्त था, उस वक्त आप जो कह रहे हो कि गठबंधन आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं चला, अगर गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लग जाओगे तो फिर आप और हम इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे। हमने कहा कि हमने नए सिरे से नई शुरुआत की, कांग्रेस और भाजपा मुक्त। उस वक्त तक भाजपा भी हमारी सहयोगी थी, लेकिन अब ना भाजपा हमारी सहयोगी है ना हमारा कांग्रेस से कोई वास्ता। अब थर्ड फ्रंट जो है वो बहन मायावती जी की नेतृत्व में बनेगा और उसी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और हमारा जो गठबंधन है वो मैंने आपको बताया कि एक बहन और भाई का गठबंधन है। तोड़ने के प्रयास तो कई करेंगे लेकिन टूटेगा नहीं, प्रयास जो है सफल नहीं होंगे, इसलिए बेचैनी बहुत बढ़ेगी उन लोगों। अभय जी आपके बड़े सहयोगी रहे श्रोमणी अकाली दल SYL पे, वो आपने उससे अलग नाता भी तोड़ लिया था, तो क्या भविष्य में इस फ्रंट में अकाली दल शामिल हो सकता है जी आपके साथ? ये तो क्या उनसे पूछो, पहले अकालियों से जाके पूछ तो उनसे पूछो। मारे तो गठबंधन बसपा के साथ गठबंधन है,